राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना जू के सफारी के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पर्यावरण और वन विभाग के जू सफारी को इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ साथ विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये जू सफारी पूरे बिहार के कोने कोने में जाएगी। गया में पितृपक्ष मेले के दौरान फल्गु नदी में का अपना एक खास महत्व है। फल्गु नदी और देवघाट पर पिंडदान करने का महत्व होता है। इसे लेकर देश के दूसरे राज्यों से आए हजारों पिंडदानियों ने फल्गु नदी और देवघाट पर पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के यहाँ पर कड़े प्रबंध हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। तीर्थयात्रियों को कोई समस्या ना हो इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं। मेला महासंगम में आके बहुत ही यहाँ की व्यवस्था उत्कृष्ट श्रेणी की पाई गई है और काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पे पब्लिकली सपोर्ट हमें मिला है। हम जब से चले थे तब काफ़ी हमें यह था कि क्या होगा, यहाँ बहुत सभी व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए हैं। जिला हमारा उन्नाव है, उत्तर प्रदेश राज्य। पहले भी आए हैं यहाँ? नहीं, पहले नहीं आए, आज आए हैं। गया जी पहली बार आए? जी हाँ। क्या क्या करना चाहेंगे गया जी के बारे में? यहाँ सब बढ़िया है, अच्छा है, पूर्ण तीर्थ है। यहाँ के बारे में क्या जानकारी? यहाँ पे पिंडदान करने से क्या होता है? जानकारी हमारे जो बुजुर्ग पित्र हैं वो सब स्वर्गवास करने के लिए उनका हुआ है। पटना जंक्शन पर उस समय अफरातफरी मच गई जब पार्किंग विवाद को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसएसबी जवानों में विवाद हो गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि एसएसबी के जवानों द्वारा गलत जगह की गई वाहनों की पार्किंग को लेकर जब उन्हें रोका गया तो एसएसबी जवान दुर्व्यवहार पर उतर आए। वरीय अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। ये एसएसबी की कुछ कंपनी है, ये मूव कर रही है, अब कहीं जाना होगा इन लोगों को। और जब मैं स्टेशन आया तो आगे सामने वाला गोलंबर से लेकर के और यहाँ पोर्टिको अंदर का पोर्टिको तक कोई इन आउट नहीं हो सकता है पैसेंजर। इस हाल में ये ब्लॉक किए हुए थे। अब आप सोच सकते हैं ये जो गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं, उस तरफ जो हटा दिया गया, ये सब इस तरह से बंद कर दिया गया। मेरे द्वारा यही कहा गया कि आप इनको जो बेतरतीब है इसको आप लोग भीड़ मत लगाइए, आप लोग के लिए इसको तरतीब से कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेशन जो है वो पैसेंजर के लिए है, हम पैसेंजर के लिए है, ठीक है? तो ये बात की है? हाँ, इनके इंस्पेक्टर हैं झाजी, अभी हैं पूरा टेलगो, उनसे भी कहा गया और ये सभी लोगों को कहा गया, लेकिन ये लोग हमको कोऑपरेट करने के बजाय और बदतमीजी पर ये लोग उतर। शराबबंदी वाले बिहार में अलग अलग तरीकों से शराब तस्कर शराब मुहैया कराने की कोशिश करते रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई करती रही है। बीती रात मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी को गुप्त सूचना मिली कि शेरपुर गांव में कंटेनर से शराब उतारी जा रही है। इसी सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया जिसमें वासुदेव ओपी अध्यक्ष एलबी सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पुलिस की देखरेख में कंटेनर उतार रहे शराब के धंधेबाज फरार हो गए। वहीं दो धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देख कंटेनर चालक सहित कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 1096 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है और दो धंधेबाज सौरभ कुमार और विकी कुमार को गिरफ्तार किया है। दो आदमी शेरपुर का ही पकड़ा गया है,
जिसमें संलिप्त है और टोटल 1096 लीटर बरामद हुआ है जो इम्पीरियल ब्लू का है। और वो जो ट्रक चंडीगढ़ से जो आ रहा था हरियाणा से, उस ट्रक का जो बरामद हुआ उसमें कंटेनर में जो अंदर कैबिन बना था उसी में ये रखा था। और गुप्त सूचना मिला कि इसमें शराब है और इसका अनलोड हो रहा है उसी के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, इसका हम लोग आपराधिक इतिहास चेक करने के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं और हम लोग उसका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कर। पटना में दिन दहाड़े छिनतई हुई है और व्यवसायी से 2 लाख रुपए की लूट की गई है। बैंक से पैसे निकालकर अपने ऑफिस लौट रहे थे कारोबारी, इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हो गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना से इस वक्त लूट की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कारोबारी से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की अपराधियों ने लूट की है। बैंक से पैसा निकालकर अपने ऑफिस कारोबारी लौट रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने निशाना बनाया है। इन दिनों बिहार में छिनतई की घटनाएं बढ़ गई हैं और बैंक से जो भी पैसे निकाल कर जाते हैं रेकी कर रहे अपराधी उनसे पैसों की छिनतई कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में नजर नहीं आ रहा है और इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। हालांकि सीसीटीवी में अपराधियों की पूरी करतूत कैद हो गई है और उसी बिना पर पुलिस छानबीन में भी जुटी हुई है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।